नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में भीषण ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 16 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार पूर्वी भारत के विकास और क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे रसोई गैस से लेकर खाद कारखानों को गैस मिलनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गंगा की पवित्रता और अविरलता के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे नमामि गंगे का अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे गंगा नदी निर्मल और अविरल बनाने का लक्ष्य प्राप्त होता जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भी रिपोर्ट दी है कि नदी के प्रदूषण में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार का सफाया हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान चावल की अच्छी किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 51वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन डीडी न्यूज और प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह प्रसारण सुना जा सकता है। आकाशवाणी की वेबसाइट www.allindiaradio.gov.in और समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि 8 बजे से सुना जा सकता है। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। गठबंधन में शामिल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। श्री मांझी सीट बंटवारे पर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से रांची में बातचीत के बाद कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है। श्री कुशवाहा ने लालू प्रसाद से सीटों को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही महागठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेता सीटों के बंटवारे को लेकर खुलासा करेंगे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी रांची में लालू प्रसाद से मुलाकात की, लेकिन सीटों पर तालमेल को लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले महीने शुरू की गई सरकारी ऋण योजना 59 मिनट के तहत 37,412 करोड़ रुपए के ऋण के लिए सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के 1,12,000 से अधिक आवेदन मंजूर किए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के बीच लगभग 70 लाख रसोई गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। तेल वितरण कंपनियों के राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में सबसे अधिक 30 लाख कनेक्शन इंडियन ऑयल द्वारा प्रदान किए गए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी भी योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय के जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा। श्री राजीव कुमार ने कहा कि व्यापक बुनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाएं पहले से ही लागू है। सब्सिडी और ऐसी योजना एक साथ नहीं चल सकती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गया और भागलपुर के आसपास के इलाकों में भीषण शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्णिया में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जनवरी के पहले हफ्ते में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। भीषण ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है। ठंड के कारण अस्पतालों में हृदय रोगियों, लकवा और ब्रेन हैमरेज के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं घना कोहरा छाये रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। पटना और राज्य के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली रेल गाड़ियां घंटों विलंब से चल रही है। वहीं हवाई अड्डों पर दृश्यता कम होने के कारण पटना से उड़ान भरने वाले और यहां उतरने वाले विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा का आज पटना में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। श्री कुशवाहा के निधन पर राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया गया, जहां दल के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सूरज नंदन कुशवाहा का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। इधर सूरज नंदन कुशवाहा के आकस्मिक निधन के कारण आज पटना में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई। शोक स्वरूप भाजपा के भी सभी कार्यक्रम आज रद्द रहे। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर गांव के पास जीटी रोड पर एम्बुलेंस और ट्रक के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। इधर पूर्वी चंपारण, दरभंगा और भागलपुर जिले में सड़क हादसे में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरभंगा में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की टीम ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 3 विकेट से पराजित कर दिया। ललित नारायण विश्वविद्यालय की टीम ने सभी विकेट खोकर 35 ओवर में 120 रन बनाए, जिसके जवाब में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 31 ओवर में 7 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं एक अन्य मुकाबले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की टीम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को 134 रन के विशाल अंतर से हरा दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में जाने माने खेल पत्रकार और आकाशवाणी के कमेंटेटर रहे बद्री प्रसाद यादव की किताब खेल के खोए सितारे का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में बिहार के कई नामी गिरामी खिलाड़ियों के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का चित्रण किया गया है। बेगूसराय के सामहो थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मामूली विवाद को लेकर सेना के एक जवान की हत्या कर दी। बताया जाता है कि नाव से नदी पार करने को लेकर जवान का अपराधियों के साथ विवाद हुआ था। वहीं जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीराटोल मुंगेर राजघाट पथ पर अपराधियों ने एक व्यापारी से 70,000 रूपये और मोबाइल लूट लिये। एक अन्य घटना में जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के पास अपराधियों ने बालू ठेकेदार राधेश्याम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटे के दौरान पुलिस ने कई कुख्यात सहित 90 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुर पट्टी गांव के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने 452 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के छुटका बनिया गांव से पुलिस ने एक ट्रक से 404 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इधर अररिया जिले के सिकटी और फारबिसगंज क्षेत्र से एसएसबी ने नेपाली शराब और नशीली दवा जब्त की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में भीषण ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 16 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।